चार साल से कांग्रेस की सरकार जो प्रदेश के अंदर काम कर रही है वो किसी से अछूता नहीं है, और कांग्रेस और बीजेपी का जो गठजोड़ है वो भी अब पूरे राजस्थान की जनता को बताए। इतने दिन तो हनुमान जी कहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी का आपसी गठबंधन है, बारी बांधी हुई है, और इस बार तो अभी तो कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता खुद इस बात को कहने लगे हैं कि हाँ हमारी सरकार किसने बसाई, हमारा साथ किसने दिया, ये आप सभी से किसी बात छुपी नहीं है। तो भाइयों अब जागने का समय आ चुका है। जब इस चुनाव नजदीक आते हैं तो नेता 3-4 महीने के अंदर अपने अपने वादे और करके चले जाते हैं, और जैसे ही चुनाव होते हैं अपने वादों की भूल जाते हैं, और चाहे किसान कर्ज माफी का मामला हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने का मामला हो, घोषणाएं और वादे बड़े बड़े करते हैं लेकिन धरातल पर कुछ काम नहीं होता। तो इसलिए भाइयों अभी समय आ गया है अपने को जागने का, और हनुमान जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन की, जो लड़ाई शुरू की है, अपने को एक तीसरा विकल्प दिया है, और अपने पास में पहले तो कोई ऑप्शन नहीं था, कांग्रेस से तंग आकर बीजेपी के साथ जाते और बीजेपी से तंग आकर कांग्रेस के साथ जाते, लेकिन अब अपनी आपकी पार्टी है, किसानों की पार्टी है, और अकेला आदमी कब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक उनके सत्ता हाथ में नहीं होगी। वैसे तो आपको सबको पता ही है सड़क से संसद तक और अब दिल्ली के अंदर किसानों और जवानों की आवाज हमेशा बुलंद करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए अपने को सत्ता में आना बहुत ही जरूरी है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के झूठे वादों के खिलाफ अपने को एकत्रित होता है और संपूर्ण राजस्थान का विकास करना है। अब गुजरात के अंदर देख लीजिए और पंजाब हरियाणा के अंदर कितने किसान लोग खुशहाल है, लेकिन राजस्थान विकास से पीछे क्यों रहा है? इसके पीछे कहीं न कहीं अपने नेताओं की सोच का कारण रहा होगा। अगर अपने नेता जागरूक होते तो अपने बीकानेर, गंगानगर, इधर नागौर, जोधपुर के अंदर भी नहर का पानी आ सकता था। अभी ईस्टर्न कैनाल परियोजना के ऊपर रोज भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब संसद के अंदर चर्चा करते हैं, लेकिन उनकी राजस्थान सरकार की तरफ से भी कोई मजबूत पैरवी नहीं है, क्योंकि इन सरकारों का तो मकसद एक ही है कि चुनाव के समय लोगों को गुमराह करके वोट कैसे हासिल करना है। अगर नेताओं की सोच सही होती तो गुजरात के तौर पर राजस्थान का भी विकास हो सकता था, राजस्थान के अंदर भी बड़ी इंडस्ट्रीज आ सकती थी और राजस्थान के अंदर बड़ी परियोजनाएं आ सकती थी, लेकिन जो भी परियोजनाएं हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा रोकी जा सकती है, और राज्य सरकार भी उनके लिए, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति और स्थानीय पंच और सरपंचगण सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप बड़ी संख्या में यहाँ पधारे ऐसी कड़ाके की धूप के अंदर, इस किसान महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ी और इसका उद्देश्य क्या है ये आप सबको पता है। पिछले 4 साल से